और अब पूरी दुनिया में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस एक जूनाटिक ट्रांसमिशन है जो एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। कोरोना वायरस का स्प्रेड जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, छींकने से, खांसने से ये इन्फेक्शन दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होता है। इसके साइलेंट सिम्टम्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी है, नज़ला है, सांस लेने में दुश्वारी है, और फिर उसके साथ साथ ये बढ़ जाता है, कोई नमूनिया की तरह प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर छोटे बच्चे और बूढ़े लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होता है, उनमें यह वायरस बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकता है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये वायरस जो है ये हमें इसकी हमें प्रिवेंशन करनी है और इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है कि हम वो लगवा लें और सबको उसमें प्रोटेक्शन मिल जाए। इसमें केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें ज़्यादातर केसेस क्योर हुए हैं, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये फेटल डिजीज़ बन जाए। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जैसे आप सबको मालूम है दो केसेस रिपोर्ट हुए, वो भी वो लोग हैं जो ईरान से यहाँ पर आए और वायरस कैच हो गया। तो हमें इसमें जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो उसमें हम एक तो अपने हाथ वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक हमें अपने हाथ वॉश करने हैं। छींकने खांसने से जब हम टिशू का इस्तेमाल करें, अगर इवन टिशू अवेलेबल ना हो तो हमें उसको अपने हैंड को बैंड करके इस तरह छींकना और खांसना चाहिए, और टिशू को हमें फोर्सफुली नहीं थ्रो करना है बिन में, उससे भी ये उड़ के जरा सी हवा में आ सकते हैं, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। दूसरे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि अगर ड्राइनेस होगी तो ये ड्राइनेस हमारे एयर ट्रैक में चली जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे जिससे ये होगा कि ये मैदे की नाली में चला जाएगा इन्फेक्शन, और हमारे स्टमक में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड जो है इस वायरस को किल कर देगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी की तरफ आएगा, तो ये इसका सर्वाइवल कम हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जरासीम ज़्यादातर लोग जो इस वायरस से इफेक्ट होते हैं वो शुरू में एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं अपेयर होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वायरस उनमें मौजूद नहीं है, वायरस की अलामत और उसके सिम्टम्स बहुत बाद में आते हैं। कोई इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि अभी अनसर्टन है, कोई 14 डेज के अंदर ये अपेयर होना शुरू होता है। हर नज़ला, खांसी, बुखार कोरोना नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये एक एपिडेमिक सी सिचुएशन आ गई है जो कि पैंडेमिक भी हो सकता है, अल्लाह ना करे अगर पूरी दुनिया में ये फैलता है, जो कि अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा कभी ना हो, तो हमें ये चाहिए कि अगर जिसको भी फ्लू के या इस तरह के सिम्टम्स हैं और वो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा ले। इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये है कि गवर्नमेंट इदारों ने आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए हैं, अगर कोई केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उनको वो आइसोलेशन सेंटर्स में करते हैं। इसकी लिए आगा खान में इन्होंने टेस्ट इसका है कोरोना का, उनके पास पहले क्लिनिक में डॉक्टर चेक करेगा, अगर वो समझता है कि ये ससेप्टेबल है तो उसका जो टेस्ट है वो उसमें नाक से उसका स्वाब लिया जाता है, नेजल स्वाब, और उसका कोई 8000 का वो टेस्ट है, उसके बाद वो डिटेक्ट होता है प्रॉपरली। तो हमें ये जो है अगर कभी कोई आपके रिश्तेदारों में या आपके जान पहचान में इस तरह आपको लगता है तो इसके लिए आप हेल्पलाइन हमारी डिस्प्ले हो रही है, इसमें गवर्नमेंट इदारों के एड्रेसेस हैं, इनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जल्द अज जल्द इस पर काबू पा सकते हैं। इसका एज सच अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये एंटीबायोटिक दे दी, क्योंकि वायरल में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस किया जाता है, उसके लिए विटामिन सी का इस्तेमाल होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर हो, जूसेस हो, तो हम इनसे बच सकते हैं। एक सर्टेन पीरियड के बाद जब ये सिम्टम्स
डाउन होने शुरू हो जाएंगे तो रिकवरी के चांसेस हैं। जैसे कि आपको बताया कि रिकवरी इसमें 98% है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो फेटल प्रूफ हो। तो एहतियात से और अवेयरनेस होने से ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो इस वक्त हमें ये चाहिए कि जो पैट्स हैं जिनके पास एनिमल्स के कॉन्टैक्ट से ज़रा दूर रहें। इसका एक्चुअल जो रिजर्वॉयर है जिससे हमें ये पता चल रहा है यही मेन सोर्स है, वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ कि कहाँ से ये इन्फेक्शन आ रहा है। ये सारी लोगों की के पेट से हो रहा है या कैमल से हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एक इनके अंदाजे हैं, लेकिन ये अभी टोटली ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये एग्जैक्ट इसका सोर्स क्या है। तो चाइना में भी आज के दिन काफ़ी कम तादाद हुई है, उन्होंने इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हम सबको और हमारे पूरी कौम को और तमाम इंसानों को इससे महफूज रखें।